गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो ईवीएस का हुआ था उसमें आप लोगों को माई बॉडी के बारे में बताया गया था। माई बॉडी का वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। अब इसमें इसका एक्सरसाइज है, उसको आप लोगों को खुद करना है कॉपी में नोट करके। जैसे नेम द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, अब जो भी बॉडी पार्ट के पिक्चर दिए हैं उनका नाम लिखना है। जैसे ये आँख है तो आँख का मीनिंग यहाँ पे आई, ये नोज है तो नोज, ऐसे ही सारे बॉडी पार्ट्स के नेम लिख देना है। उसके बाद बी है राइट द नंबर्स ऑफ ईच यू हैव, जैसे कह रहा है कि राइट द नंबर्स, नंबर लिखना है कि ये कितने हैं आपके पास। जैसे लेग्स पैर कितने हैं, आईज आंखें कितनी हैं, स्टमक पेट नेक कितना है, तो ये भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सी है टिक द करेक्ट वन, टिक करना है, सही का निशान लगाना है। पहला है माई आईज ईयर्स कैन सी फॉर एंड नियर ऑब्जेक्ट। अब आई मतलब होता है आंख और ईयर मतलब होता है कान। कैन सी फॉर एंड नियर ऑब्जेक्ट, दूर की या पास की वस्तुएं किस कौन देखता है, किससे दिखाई देता है, आंख से दिखाई देता है कि कान से दिखाई देता है, तो आंख से दिखाई देता है तो यहाँ पे आईज पे टिक कर दीजिएगा। उसी तरह माई हेयर इज लॉन्ग शॉर्ट, अगर लॉन्ग होगा तो लॉन्ग पे टिक करिएगा और शॉर्ट शॉर्ट पे ही टिक करिएगा, शॉर्ट ही होना चाहिए। आप लोगों के जो हेयर हैं वो लॉन्ग नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। थर्ड है माई आईज आर ब्लू ब्लैक ग्रीन ब्राउन, अब ब्लू पे टिक कर दीजिए, ब्लैक पे टिक कर दीजिए। फोर है आई एम टॉल स्मॉल, कैसा हूँ, लंबा हूँ या छोटा हूँ, बॉय हूँ कि गर्ल हूँ, तो ये सब आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। आज हम इस चैप्टर नंबर टू है आप लोगों का बॉडी पार्ट्स एट वर्क, जो भी हमारे शरीर के अंग होते हैं उनका क्या काम होता है उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए रीड करते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, डू यू नो दैट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्तों, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, दैट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारे शरीर के जो अंग हैं हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स, वही हमारी सहायता करते हैं कई प्रकार के सात कामों में। जो भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें हमारी सहायता हमारे शरीर के अंग ही करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ आवर ऑफ द बॉडी, शरीर का जो प्रत्येक अंग है इज यूजफुल, वो काफ़ी उपयोगी होता है। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारा शरीर कैसा है, एक मशीन की तरह है जो हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई काम करता रहता है। जैसे मशीन होता है, मशीन हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है। देखिए अब उसी में बताया गया कौन कौन सा काम होता है, किस किस अंग के द्वारा। आवर आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर, जो हमारी भुजा है, आर्म्स मतलब होता है भुजा, हैंड मतलब होता है हाथ, और फिंगर मतलब होता है अंगुली। तो ये हाथ के बारे में बताया गया है कि हाथ हाथ के द्वारा हम लोग कौन कौन सा काम करते हैं। वी यूज आवर आर्म्स हैंड एंड फिंगर्स टू, हम लोग अपना अपनी भुजा, अपना हाथ और अपनी उंगलियों का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए। डू आवर होमवर्क, हम लोग अपना जो होमवर्क मिलता है, जो स्कूल से काम मिलता है, उसको करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए इसमें एक छोटा सा बच्चा है, एक कॉपी है और पेंसिल से कुछ उस पर लिख रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, तो हाथ किससे पकड़ा है, पेंसिल को पकड़ा है उंगलियों से, तो ये उंगली का। मेक थिंग्स, सामान बनाते हैं, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, पेपर की सहायता से एक छोटा सा हाउस बनाया है, तो ये किस कैसे बनाया, अपने हाथ की सहायता से बनाया है। लिफ्ट थिंग्स, कोई भी हम सामान उठाते हैं,
तो अपने हाथ की सहायता से ही उठाते हैं, होल्ड थिंग्स, और कुछ भी अगर पकड़ते हैं, कोई भी सामान पकड़ते हैं तो अपने हाथ में ही पकड़ते हैं। उसके बाद है आवर लेग्स एंड फीट, हमारे जो हमारा हमारा जो पैर होता है वो कौन कौन सा काम करता है वो बताया गया है। जैसे स्टैंडिंग अप, खड़े होने में हमारी मदद करता है, वॉकिंग, टहलने में हमारी मदद करता है, रनिंग, दौड़ने में मदद करता है, और साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को हाथ और पैर, इन जो दो बॉडी पार्ट्स हैं आपके, उसकी सहायता से हम लोग कौन कौन सा काम करते हैं वो बताया गया है। देखिए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर, हम अपने हाथों से या अपनी उंगलियों से कौन कौन सा काम करते हैं। डू आवर होमवर्क, अपना होमवर्क करते हैं, अपना गृह कार्य करते हैं। मेक थिंग्स, सामान बनाते हैं। लिफ्ट थिंग्स, सामान उठाते हैं। होल्ड थिंग्स, और सामान को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। आवर लेग्स एंड फीट, हम अपने पैरों की सहायता से क्या करते हैं, स्टैंडिंग अप, खड़े हो जाते हैं, वॉकिंग, टहलते हैं, रनिंग, दौड़ते हैं, और साइकिलिंग, साइकिल चलाते हैं। ये देखिए, कीप इन माइंड, ये यहाँ पे कह रहा है ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो क्या है, काफ़ी लाभदायक होते हैं। वी यूज आवर आर्म्स टू डू मैनी थिंग्स, जो हमारी भुजा होती है उसकी सहायता से हम लोग कई सारे काम करते हैं। वी यूज आवर लेग्स फॉर वॉकिंग, रनिंग एटीसी, जो हमारा पैर होता है उसकी सहायता से हम लोग टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा साथ में काम करते हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 था, बॉडी पार्ट्स एट वर्क, कि जो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उनका क्या क्या काम है। इसमें हैंड के बारे में और लेग के बारे में दो चीज़ें बताई गई थी। इसको आप लोग रीड करिएगा एक बार, और जो इसका एक्सरसाइज है, बुक का एक्सरसाइज, उसको भी कीजिएगा। जैसे ए है राइट यस आर नो, यस या नो इस बॉक्सेस में लिख देना है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल, अभी इसमें बताया गया कि जितने भी शरीर के हमारे अंग होते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, तो ये सही है, इसमें यस लिख दीजिएगा। वी कैन मेक थिंग्स विथ आवर लेग्स, अब देखिए जो हम लोग सामान बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पैर की सहायता से बनाते हैं, तो इस नहीं पैर की सहायता से नहीं बनाते हैं तो इसमें नो कर दीजिएगा। वी यूज आवर हैंड्स टू होल्ड थिंग्स, कोई भी सामान हम पकड़ते हैं तो अपनी हाथ की सहायता से पकड़ते हैं, सही बात है, तो इसमें यस कर दीजिएगा। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, जो लास्ट में पॉइंट था उसमें क्या था, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, जो भी हमारे शरीर के अंग होते हैं वो साथ साथ काम करते हैं, तो इसमें यस कर दीजिएगा। उसके बाद है बी है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर आर यूज टू, क्या क्या काम होता है, कौन कौन सा काम करते हैं हम अपने हाथों से अपने उंगलियों से, सब बताया गया है। वी यूज आवर लेग्स एंड फीट, पैर की सहायता से कौन कौन सा काम होता है उसको लिखिएगा। इंसर्ट द मिसिंग लेटर, और इसमें जो भी लेटर मिसिंग है, जैसे ये वर्ड मीनिंग है हैंड्स की, एच ए एन डी एस, एफ आई एन जी ई आर एस, एफ डबल ई टी, तो ये सारा आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।